हेलो गाइस, आज से करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो हमारी पूरी धरती पर पेड़ पौधे और जंगलों का ही राज हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इंसानों की उत्पत्ति होने के बाद से ये पेड़ पौधे इंसानों द्वारा काटे जाने लगे और धीरे धीरे करके लगभग बहुत से पेड़ पौधे पूरी तरह से विलुप्त हो गए। लेकिन आज भी हमारी दुनिया में कई ऐसे जंगल मौजूद है जो इंसानों के लिए आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ सबसे बड़े और खतरनाक जंगलों के बारे में जानेंगे, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। सो गाइस, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, 5 मोस्ट डेंजरस एंड लॉन्गेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। नंबर एक पर है मिंडो क्लाउड फॉरेस्ट साउथ अमेरिका। ये जंगल दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में तकरीबन 260 किलोमीटर के वर्ग में फैला हुआ है। अमेज़न के बाद ये दुनिया का सबसे घना और सबसे बड़ा जंगल है और ये पूरा जंगल हमेशा बादलों से घिरा ही रहता है, इसके कारण इसे क्लाउड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जंगल अमेज़न फॉरेस्ट के काफ़ी करीब है, लेकिन ये जंगल बहुत ही ठंडा होने के कारण इसे अमेज़न के क्षेत्र से अलग रखा गया है। इस जंगल में तकरीबन 1500 से भी ज्यादा पक्षी और दूसरे जीव जंतु की दुर्लभ प्रजाति मौजूद है। इस जंगल में साल भर बारिश और पानी होने के कारण सबसे ज्यादा जंगली कीड़े मकोड़ों की प्रजाति भी यहीं पाई जाती है। नंबर दो पर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एशिया। ये जंगल चाइना के दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ चीन और बाकी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जंगल है। ये जंगल लगभग 2440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चीन का सबसे बड़ा जंगल है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लगभग 3000 से भी ज्यादा पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है और ये जंगल में अनेक किस्म के औषधीय वाले पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जंगल साइंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और चाइना अपनी ज्यादातर दवाइयों का निर्माण इसी जंगल के औषधियों से करता है। और गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण एशिया के जीव संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। नंबर तीन पर है सुंदरबन एशिया। ये जंगल तकरीबन 10,500 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। ये जंगल बांग्लादेश और इंडिया में स्थित है, लेकिन इसका 80% भाग बांग्लादेश में ही पड़ता है। ये जंगल दिखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। और गाइस, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सफेद रंग के बाघ केवल इसी जंगल में पाए जाते हैं। साथ ही साथ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होने के कारण से इसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है और यही कारण है कि ये जंगल पूरी दुनिया में एडवेंचरस टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन का कारण बना हुआ है। यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होने के कारण से ये इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। नंबर चार पर है द अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह अमेज़न जंगल पूरी दुनिया में जंगलों का राजा माना जाता है। अमेज़न जंगल करोड़ों पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु का घर भी माना जाता है और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, इसीलिए यहाँ साल भर में लगातार बारिश होती रहती है। इस जंगल में बहुत सारी विलुप्त हो चुकी पेड़ पौधों की प्रजाति आज भी पाई जाती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमेज़न रिवर में एनाकोंडा भी पाया जाता है। इस जंगल में लगभग 2500 प्रकार के पक्षी और जीव जंतु पाए जाते हैं और इस जंगल के बीचों बीच बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन का कारण बने हुए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े जंगल में से एक है और ये पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन का सोर्स भी माना जाता है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे दुनिया के सबसे बड़े जंगल की तरफ, जिसका नाम है टाइगर फॉरेस्ट। टाइगर फॉरेस्ट 1,22,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल एशिया से लेकर रशिया, कनाडा, यूरोप के कुछ देशों से होकर नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है। इसी के साथ साथ ये जंगल का कुछ भाग एंटार्क्टिका को भी छूता है। अगर इस जंगल का टोटल एरिया देखा जाए तो ये भारत और चीन से भी बड़ा है। टाइगर फॉरेस्ट हमारे विश्व का सबसे ठंडा जंगल है और इसके ज्यादातर हिस्से में हमेशा बर्फबारी ही होती रहती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत ही कम जीव जंतु सरवाइव कर पाते हैं। और यहाँ का मौसम इतना क्रिटिकल होने के कारण सिर्फ 2 से 3 किस्म के पेड़ ही यहाँ पाए जाते हैं। तो गाइस, ये थे दुनिया के कुछ सबसे बड़े और खतरनाक जंगल। आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको इन सब में से कौन सा जंगल सबसे खतरनाक लगा और अगर आपको इन सभी जंगलों में से किसी भी एक जंगल में जाने का मौका मिले तो आप कौन से जंगल में जाना चाहेंगे, ये हमें कमेंट में बताएं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।